ये कथा पितरमोचनी है, अपने पितरों के लिए नित्य प्रति दक्षिण दिशा में एक लंबी बत्ती वाला दीपक लगा करके आप घर के द्वार पर जहां दक्षिण दिशा हो वहां लगाइए, आज से ही शुरू कर दीजिए। बत्ती लंबी हो, तेल सरसों का भी चलेगा या तिल का भी चलेगा या घी का भी हो, लंबी बत्ती का एक दीपक दक्षिण दिशा में बत्ती करके आप नित्य प्रति रखिए अपने पितरों के लिए, तो आप के पितर संतुष्ट होंगे। और जिस दिन आपके यहां श्राद्ध हो श्रद्धा से श्राद्ध करिए। जो लोग जान पूछ करके श्राद्ध नहीं करते हैं ना, हमारे शास्त्र कहते हैं उस घर के मुखिया का रक्तपान करते हैं आपके पितर, आपका खून पीते हैं, उसे ही कहते हैं पितरदोष। अगर आप अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं तो, श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपके शरीर का रक्तपान करते हैं और आपको श्राप देते हैं, इसलिए वो परिवार दुखी होता है, इसलिए घर में धन का अभाव होता है, इसलिए घर में पुत्र का अभाव होता है, इसलिए घर में सुख का अभाव होता है जब पितृ दोष होता है। इसलिए ध्यान रहे, अपने पितरों को नित्य प्रति जलांजलि दो, तर्पण करिए और एक लोटा जल काले तिल डाल करके चावल डाल करके पितरों के नाम का भगवान शिव पर चढ़ाइए। शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके पितरों का अंश जो जल से पर चढ़ता है उसमें से कुछ अंश आपके पितरों को भगवान शिव प्रदान करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सनकादिक ऋषि जब कथा सुना रहे थे उसी समय कौतुक हुआ। कौतुक यह हुआ कि उसी समय कथा सुनकर के भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, नाचने लगी। जब नृत्य कर रही थी तो ये कौतुक सबने देखा। सभी वहां जितने ऋषि मुनि आए थे सभी नृत्य साधना करने लगे और आनंदित होने लगे। कथा सुनने के लिए वहां प्रहलाद भी आए। प्रहलाद स्ताल धारी तरल गति तया चौदव काश धारी। प्रहलाद जी उस कीर्तन में भक्ति के साथ जो नृत्य कर रहे थे ताली बजा रहे थे। ताली भी एक साज है आपका, लेकिन ताली भी साज से बजाई जाती है। और उद्धव जी भी कथा सुनने के लिए आए, उद्धव भी अपना साज में साथ लेकर के आए थे, कांसे का थाल बजा रहे थे। और नारद जी अपने वीणा बजा रहे थे कि वीणा धारी सुर सर स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो अभू। और अर्जुन अपना राग अलाप रहे थे, इंद्र भी मृदंग बजा रहे थे, ढपली बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे और जय जयकार की ध्वनि कर रहे थे। जय हो जय हो जय हो जय हो कि यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभू। व्यास पुत्र भी अर्थात सुखदेव भी वहां कीर्तन में सम्मिलित होकर के नृत्य कर रहे थे सभी के साथ में।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।